देखिए पीछे कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत मंजर हो रहा है। हाय गाइस, वो कायदे आजम का मज़ार वो रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर बचपन में आए थे और आज आए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ग्रीन बस में बैठकर आसानी से हम लोग आ सकते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा अभिषा हनी के घर के नीचे से जो है वो ग्रीन बस मिलती है, वहाँ से ग्रीन बस में बैठो और फिर आराम से आ जाओ। तो हम अपने बचपन के बाद जो है वो आज यहाँ पर आए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। ये देखिए अब हम जाएंगे म्यूज़ियम, म्यूज़ियम जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जी तो दोस्तों देखिए ये मेरे पीछे मज़ारे कायद है और यहाँ पर जो है वो हम बचपन में आते थे और बचपन के बाद जो है वो हम आज आए हैं और वो भी अचानक आए हैं। हम लोग कराची में रहते हुए भी नहीं आ पाते, तो ये है कि आज अचानक ही बस दिल चाहा आप ही का और आप ही कहने लगी चले ऊपर जाना अलाउ नहीं है, इसलिए जो है वो कोई भी नहीं जा रहा। जाहिर है इन्होंने बंद किया हुआ होगा सारा सिस्टम और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ये हनी है, हनी अपनी पिक्स बना रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्यारा मंज़र है। और जो है वो हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, थोड़ी देर में हम लोग घर चले जाएंगे और जब घर चले जाएंगे तो मैं रात में व्लॉग एडिट करूंगी और एडिट करने के बाद में फिर अपना व्लॉग अपलोड करूंगी। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड प्लीज़ मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। है नहीं मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, बेल को बजा दें और प्रेस दी बेल आइकन। और जो है वो बहुत मुझे ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। और जो है वो ये देखिए पीछे से तकरीबन अब लोग आना तो शुरू हो रहे हैं लेकिन खाली हो, अब लोग जो हैं वो थोड़े थोड़े जाना शुरू हो रहे हैं और जो है लोग जाना शुरू हो रहे हैं और हम तो खैर अभी आए हैं, हमें 10-15 मिनट हुए होंगे, थोड़ी देर में हम लोग चले जाएंगे। मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आए थे, मौसम देखें ऐसा लग रहा है कि बस अभी बारिश हुई। म्यूजियम जा रहे हैं, जल्दी आ जाएं। चले अब हम म्यूज़ियम जाते हैं क्योंकि कायद के मज़ार पे कबर पे जारी नहीं दिया जा रहा है, म्यूज़ियम पे जाने दिया जा रहा है। तो हम चलते हैं म्यूज़ियम, वहाँ पे अगर मोबाइल अलाउ हुआ तो मैं शॉट शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं शूट नहीं करूँगी। दोस्तों ये हम आ गए हैं मज़ार के बिल्कुल करीब करीब म्यूज़ियम जाने के लिए। है नहीं पाँव मिलाओ, पे हम पाँव मिलाओ जी पीछे हो, नहीं पीछे हो, हाँ। ये देखिए मज़ार पे जाने नहीं दिया जा रहा जी। तो दोस्तों हम म्यूज़ियम में जा रहे हैं म्यूज़ियम के लिए, वहाँ पे उन लोगों ने स्लीपर्स उतरवाई हैं कि ज़्यादा गंदगी ना हो। तो अब ये देखिए ऊपर मज़ार का अहाता बंद किया हुआ है और जो है फातिहा खानी भी नहीं की जाहिर है, लेकिन हम तो अपने बचपन के आए हुए हमें तो याद ही नहीं है। ये देखें सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, मौसम ही इतना प्यारा हो रहा है। अब हम म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा शूट करेंगे अगर जो मोबाइल अलाउ हुआ तो, अदरवाइज सॉरी, फिर मैं आपको वहाँ से बाहर निकल के सारी स्टोरी सुनाऊंगी। चल रहे हैं हम, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। चलो दोस्तों अब हम आ गए म्यूज़ियम में, ये देखिए म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में वो जो है वो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है।
अचानक से जो है वो प्रोग्राम बन गया है। और ये देखिए ये सिगार है, एस्ट्रे वगैरह है, सिगार एस्ट्रे वगैरह। और जो है कायद आजम का बेडरूम, ये आ गया बेडरूम कायद आजम का। ये देखिए ये बेड है कायद आजम का, अलमारी। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ कायद आजम तो हाइट में इतने अच्छे थे तो इतना छोटा उनका बेड क्यों। मैं ये सोचती हूँ, एक मरतबा जब मैं बचपन में आई थी जब भी मैंने ये सोचा था, आज भी मैं ये सोच रही हूँ कि कायद आजम की माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हाइट अच्छी होगी, जब कायद आजम की हाइट अच्छी होगी तो उनका बेड इतना छोटा क्यों। तो ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता, बेड भी बहुत छोटा है, सिंगल बेड है। ये दे देखिए कायद आजम के जो है वो कमरे हैं। ये सब वो हैं जो कायद आजम से जिनकी मीटिंग्स हुई थी। कायद आजम जो है वो जिन जिन के साथ मीटिंग्स करते थे, कायद आजम के फ्रेंड्स हो गए। और ये सब जो पाकिस्तान को अलहदा करवाने में जिनका सबसे ज़्यादा हाथ था, ये सारे वो हैं। और ये कायद आजम की स्टडी है, स्टडी रूम है कायद आजम का। ये देखिए कायद आजम जो है वो लॉयर भी है। वो देखिए लिखा हुआ है कायद आजम मुताले में मसरूफ है, कायद आजम मुताले में मसरूफ है। ये कायद आजम जो है वो अपने दफ्तर में है। ये कायद आजम का ग्लासेस है। ये टिकट्स हैं डाक के, ये देखिए डाक के टिकट्स हैं ना, उस पर टिकट लगते पाकिस्तान पोस्ट स्टैम्प। ये कलाम पाक है कायद आजम के। जी तो दोस्तों अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया सब कुछ, हर चीज़ हम लोगों ने देख ली। जी तो अब हम बाहर आ गए, बाहर का मौसम तो है ही इतना खूबसूरत, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। और अब हम घर चले जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पर क्योंकि बारिश होने वाली है बिल्कुल, तो फिर बारिश में जो है वो मुश्किल हो जाता है जाना। ये देखिए इतना प्यारा व्यू है, पीछे का व्यू देखिए मेरे, बहुत प्यारा व्यू है। जी तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं, आने के लिए। ये देखिए कायद आजम का मज़ार, म्यूज़ियम गए थे, म्यूज़ियम जो है वो बहुत अच्छा था, हर चीज़ थी म्यूज़ियम में। अभिषा जल्दी आइए, है नहीं आपको मज़ा आया जी? व्यूवर्स को बताइए आपने एंजॉय किया? बहुत किया। अच्छा अब हाय नहीं करो, अब बाय का टाइम आ गया है, बाय करिए बाय दोस्तों। मैं जी दोस्तों तो देखिए मेरे पीछे कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत मंज़र हो रहा है, और बाय का टाइम आ गया। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कराची में रहते हैं और कायद आजम के मज़ार ही नहीं जाते, तो हम लोग कायद आजम के मज़ार जो है अपने बचपन में गए थे और उसके बाद हम लोग अभी तक बीच में कभी गए नहीं। हालाँकि
कैंटीन है, यहाँ से हमने चाट वग़ैरह खाए, गोलगप्पे वग़ैरह खाए और जूसेस वग़ैरह लिए और ये काफ़ी गर्म चल दिए। दोस्तों रश देखिए, रश की इंतहा देखिए, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। ये तो दोस्तों मगरिब की अजानें हो रही हैं और हम आ गए हैं